हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हैं मीरा टिप चैनल। हमारे इस चैनल में आपका स्वागत है। क्या आप चाहते हैं कि घर पे संतरा का जूस बनाएं? आप चाहते हैं संतरा का जूस बनाना, फिर भी नहीं बना पाते हैं क्योंकि आपके घर में जूस निकालने वाला मशीन नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप बिना जूसर मशीन से घर पे संतरा का जूस बना सकते हैं मिक्सर जार से। तो चलिए देखते हैं मिक्सर जार से संतरा का जूस कैसे बनता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक प्लेट में 5 संतरा है। मैं संतरे को ऊपर से अच्छे से धो ली हूँ। अब मैं संतरे का छिलका उतारूँगी। तो देखिए सारे संतरे का छिलका उतर गया है। अब मैं लूँगी मिक्सर जार, आप देख सकते हैं मसाला पीसने वाला छोटा वाला है। अब मैं इसमें डालूँगी आधा संतरा। आज मैं आपको दो तरीके से संतरा का जूस बनाना बताऊँगी, इसलिए आधा संतरा मैं प्लेट में रहने दूँगी और आधे संतरे का पहले एक तरीका बताऊँगी जूस कैसे बनाते हैं। मैं आधा संतरा जार में डाल दी हूँ। अब मैं ढक्कन लगा करके ग्राइंड करूँगी। तो जैसे मसाला पीसते हैं उस तरीके से ग्राइंड नहीं करना है, यानी वैसे नहीं पीसना है। अगर आप लगातार इसको पीस देंगी तो संतरे का जो बीज है वो भी पिसा जाएगा। जब संतरे का बीज पिसा जाएगा तो पीने में संतरा का जूस कड़वा लगेगा, इसलिए एक बार चलाना है मिक्सर को और रोक देना है। चलाना है, रोक देना है, लगातार नहीं चलाना है। ऐसे आपको 4-5 बार चला देना है। 4-5 बार में आपका संतरा का जूस बनके तैयार हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं मिक्सर जार में संतरे का जूस दिख रहा है। अब मैं इसको एक कटोरी में छन्नी लगा करके छान दूंगी। तो देखिए आधा मैं ले ली हूँ छन्नी में, और चम्मच की सहायता से मैं इसको चलाते हुए दबाते हुए संतरे का जूस कटोरी में निकाल दूंगी। तो देखिए चम्मच की सहायता से मैं दबाते हुए सारे जूस को कटोरी में निकाल ली हूँ, और जो खुजा बचा है मैं इसको साइड में रख दूँगी, और जो बचा है संतरे का जूस जार में उसको भी मैं डाल के छन्नी में अच्छे से छान दूँगी। तो देखिए जो बचा था उसको भी मैं चम्मच की सहायता से दबाते हुए संतरे का जूस निकालती हूँ कटोरी में। अब मैं इसको गिलास में डालती हूँ, देखती हूँ कितना जूस बन के तैयार हुआ है। तो देखिए एक गिलास जूस बनके तैयार हो गया है। तो ये था पहला तरीका। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ। फिर से वापस मैं जार में बचे हुए संतरे को डाल दूँगी। तो इस आधा गिलास से आधा पानी, यानी लगभग आधा कप पानी मैं इसमें डाल दूँगी। फिर एक चम्मच चीनी डालना है और आधा छोटा चम्मच काला नमक डाल के मैं उसी तरीके से इसको भी पीसूंगी। लगातार नहीं चलाऊंगी, 4-5 बार में मैं इसको पीस दूंगी। तो देखिए दूसरे तरीका का भी जूस बनके तैयार हुआ है मिक्सर जार में, आप देख सकते हैं। इस जूस को भी मैं उसी तरीके से छान दूंगी उसी कटोरी में। देखिए चम्मच की सहायता से मैं जूस को कटोरी में छान दी हूँ। अब मैं गिलास में इसको भी डालूँगी। तो देखिए दूसरे तरीका का भी जूस बन के तैयार हो गया है गिलास में, आप देख सकते हैं एक गिलास बन के तैयार हुआ है। आप चाहें तो सादा बना सकते हैं, या फिर आप चाहें तो थोड़ा सा टेस्टी टेस्टी बना सकते हैं। तो देखिए देखने में कितना अच्छा लग रहा है, बिल्कुल मार्केट जैसा लग रहा है। दोनों तरीके का संतरा का जूस बन के तैयार हो गया है गिलास में, देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। 5 संतरे में 2 गिलास जूस बन के तैयार हो गया है। यही जूस अगर आप मार्केट में पीने जाते तो आपको लगभग 30 रुपया गिलास मिलता। अगर आप घर पर संतरा ला के जूस बनाएंगे तो आपको सस्ता पड़ेगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें,
मैं अगले वीडियो में मिलूंगी एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड।